मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, वो कौन सा शख्स है जो रोजाना लोगों की जेबें काटता है और गले काटता है लेकिन पुलिस उसे फिर भी नहीं पकड़ती? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये तो मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा। क्या बोला तूने? यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा। वो कौन सा शख्स है जो रोजाना लोगों की जेबें काटता है गले काटता है लेकिन पुलिस उसे फिर भी नहीं पकड़ती? वैसी दरिंदा। वैसी दरिंदा। नहीं, नहीं मानता। वैसी दरिंदा हो गया ना, वो लोगों के गर्दने भी काट रहा, वो सही है, वो जेबें भी काट रहा, तो वैसी दरिंदा हो गया ना वो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वो कौन सा शख्स है जो दिन भर लोगों के गले काटता है और जेबें काटता है लेकिन पुलिस उसे फिर भी नहीं पकड़ती? नवाज शरीफ। क्यों? नवाज शरीफ। अबे साले। क्यों? वो कौन सा शख्स है जो रोजाना लोगों की जेबें काटता है और गले काटता है लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़ती नहीं है? वो है बट्टी। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? ये क्या है? नाम है उसका जो जेबें काटता है, जो पकड़ती नहीं पुलिस भी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कौन सा शख्स है जो दिन भर लोगों के गले काटता है, जेबें काटता है लेकिन फिर भी पुलिस उसे नहीं पकड़ती? रुक, तेरे को बता दे। दर्जी। क्या बोला तूने? दर्जी। टाउन वन, एक ऐसी जगह जहाँ खुशियों को बना लूं मैं अपना हम सफर, जहाँ आसाइशें मेरा इस्तकबाल करें, जहाँ मैं जिंदगी का लुत्फ उठा सकूं और जहाँ हर नई सुबह तरोताजगी का दे नया पैगाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज और मैं हूँ सना। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ रेशम गली बाजार में। और मैं अपना एक कॉमन सेंस का नया सवाल लेकर आई हूँ और लोगों से उनके कॉमन सेंस के बारे में बात करूँगी, देखते हैं उनका कॉमन सेंस कितना तेज है। और सवाल मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, सवाल जानने के लिए हमारे साथ रहें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, वो कौन सा शख्स है जो रोजाना लोगों की जेबें काटता है और गले काटता है लेकिन पुलिस उसे फिर भी नहीं पकड़ती? ये तो मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सोचे ना, सोच के बताएं। नहीं नहीं, अभी इतना तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, ना हम कोयटा वाले बादाम खाते हैं। मेरा आपसे ना एक छोटा सा सवाल है, वो कौन सा शख्स है जो रोजाना लोगों की जेबें काटता है गले काटता है लेकिन पुलिस उसे फिर भी नहीं पकड़ती? वैसी दरिंदा। क्या बोला तूने? असंभव। वैसी दरिंदा हो गया ना, वो लोगों के गर्दने भी काट रहा, वो सही है, वो जेबें भी काट रहा, तो वैसी दरिंदा हो गया ना वो। अरे कहना क्या चाहते हो? वो कौन सा शख्स है जो रोजाना लोगों की जेबें काटता है और गले काटता है लेकिन पुलिस उसे फिर भी नहीं पकड़ती? वो कौन सा शख्स है जेबें भी काटता है गले भी काटता है? नहीं। ये मुझे नहीं पता भाई। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। वो कौन सा शख्स है जो रोजाना लोगों की जेबें काटता है और गले काटता है लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़ती नहीं है? वो है बट्टी। क्या है? बट्टी। ये क्या है? नाम है उसका जो जेबें काटता है, जो किसी पकड़ती नहीं पुलिस भी। वो कौन सा इंसान है जो लोगों की जेबें काटता है गले काटता है लेकिन पुलिस इसे नहीं पकड़ती? इमरान खान। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में होती। कौन सा शख्स है जो दिन भर लोगों के गले काटता है जेबें काटता है लेकिन फिर भी पुलिस से नहीं पकड़ती? रुक, तेरे को बता दे। दर्जी। क्या बोला तूने? दर्जी। नहीं, नहीं मानता। वो कौन सा शख्स है जो दिन भर लोगों के गले काटता है और जेबें काटता है लेकिन पुलिस से फिर भी नहीं पकड़ती? अब ये तो आप ही बता सकते, हमें क्या पता किसी वजह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, आप थोड़ा सा सोचे तो सही, ऐसे थोड़ी कहते हैं। मैं क्या सोच के बताऊं, मैं जिनका नाम लूंगा आप खुद भी समझदार। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अच्छा, कुछ भी कहें, जो जहन में आ रहा है वो कहें। नवाज शरीफ। क्यों? नवाज शरीफ। अबे साले। क्यों? वो कौन सा शख्स है जो रोजाना लोगों की जेबें काटता है गले काटता है लेकिन पुलिस इसे फिर भी नहीं पकड़ती? टेलर। जी नाज़रीन, पूरी मार्केट हमने रेशम गली की सर्च करी और हमें ये दूसरे शख्स हैं और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वो कौन सा शख्स है जो रोजाना लोगों की जेबें काटता है और गले काटता है लेकिन फिर भी पुलिस इसे नहीं पकड़ती? रुक, तेरे को बता दे। शहबाज शरीफ। भाई आप खामोश खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश हो जाए, बिल्कुल आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं टाउन वन, जहाँ जिंदगी मुझे गले लगाए, जहाँ कुदरत के हसीन मनाजिर मेरे मुंतजर रहें, जहाँ सब कुछ मुझसे करीब तर हो। 120, 150, 200, 240 और 400 मरबा गज के रिहायशी प्लॉट्स। जी नाज़रीन, आज हम रेशम गली के बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने लोगों से कॉमन सेंस का सवाल किया,
जिसमें हमें बहुत मज़े मज़े के जवाब मिले। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हैदराबाद न्यूज़ को। मैं इसी तरह आपके लिए बहुत नए नए प्रोग्राम, मज़ेदार प्रोग्राम लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा अरमान है एक ऐसी रिहायश जहाँ उस सुकून और इत्मीनान का राज, टाउन वन, जहाँ मुझे मिले आज़ादी, जहाँ सब कुछ मेरा अपना हो, जहाँ जिंदगी मुझे हाथों हाथ ले।